फरुखाबाद जिलाध्यक्ष रूपेश गुप्ता जी हमारे साथ में हैं और वो लगातार फरुखाबाद में विकास कार्यों की मॉनिटरिंग करते रहते हैं और लगातार जो है जनप्रतिनिधि हो या जिले के कोई भी अधिकारी हो लगातार उनसे बात करते रहे और विकास कार्य को आगे बढ़ाते रहते हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ में वो हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बड़े बड़े मुद्दे इस बार फरुखाबाद में उभर कर आ रहे हैं, उन पर कैसे काम चल रहा है और क्या कर रहे हैं वो। सर, सबसे बड़ा मुद्दा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे का है, तो क्या तैयारी है और कैसे क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ और इस पर पहले सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। पता नहीं दीपावली के पहले आपका हमारा इंटरव्यू हो, उसके बाद ना सभी को आपके जितने शुभचिंतक हैं, आपके जितने दर्शक हैं, उनको मेरी बहुत साइड कर सारी दीपावली की शुभकामनाएं। ग्रीन फील्ड को लेकर जो आपका सवाल है, मैं पहला हूँ, मैं उससे ज़्यादा स्पष्टीकरण माननीय सांसद से ज़्यादा कोई दे नहीं सकता। उन्होंने आपसे भी कहा और कई मीटिंगों में कहा, ग्रीन फील्ड कोई मुद्दा नहीं हो, ग्रीन फील्ड जब निकलेगा फरुखाबाद से होकर ही निकलेगा। कुछ लोगों ने गंगा एक्सप्रेस की तरह इसको भ्रम में डालने की कोशिश की, जबकि ये बिल्कुल असत्य है। 100% ग्रीन फील्ड अगर निर्माण होगा तो फरुखाबाद और जो लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं, हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं या विभिन्न पर किसी ना कहीं किन्हीं लोगों से प्रेरित होके हैं जो ये जानबूझ के इस प्रकार का फरुखाबाद के लोगों को भ्रम में डालने का काम। फरुखाबाद के युवा हैं, लगातार आपसे जुड़ने की तमाम कोशिश करते हैं और आप जोड़ते भी हैं और युवाओं को बड़ा प्रोत्साहन देते हैं। ये कहीं ना कहीं हम लोगों की बात होती है तो ये चीज़ें सामने निकल के आती है। किस तरह से युवाओं को प्रोत्साहन करेंगे और लोग जुड़ना चाहते हैं, वो किस तरह से आपके साथ? देखिए, और आपके संगठन देखिए, सरकार की जितनी पॉलिसी है उसमें युवा फोकस है। राजनीति में सरकार युवाओं को मौका देने का काम कर रही है। आप निरंतर रोज लिस्ट पढ़ते होंगे, एक एवरेज उम्र से पहले तो उससे कम होती चली आ रही है और हमारे लोगों को टिकट मिल रही है, हमारे लोग संगठन में स्थान मिला है। हमने हर जगह उम्र के फैक्टर को लागू किया है। युवाओं के लिए लगातार सरकार पॉलिसी बना रही है, रोजगार देने की दिशा में वो लगातार अवसर दे रही है। वो एक बार मछली मारना नहीं, मछली पकड़ने का काम सिखा रही है और किस प्रकार से आगे भविष्य में अपने को सुदृढ़ और मजबूत बनाए, ऐसा सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। सर, उनके रोजगार क्षेत्र में भी और राज्य में। देश दुनिया की बात करें तो संगठन जो इस समय बात हो रही है, भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत संगठन है और फरुखाबाद की अगर प्रॉपर बात करें तो आपने काफी मेहनत करी है संगठन को मजबूत करने के लिए। ये प्रोत्साहन आपको कहाँ से मिला और कैसे इन चीजों पर काम करते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि कोई यह है कोई नंबर एक है। 10 साल किसी माननीय प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह, 10 साल प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी काम करने में एक ही सीट पर है, लेकिन काम करने में अंतर आप देख सकते हैं। मेरा मानना है कोई व्यक्ति जो नंबर एक पर रहता है तो उस पर हमारा शहर या हमारा संगठन क्यों नहीं सकता। मैंने इस पर काम किया और इस पर एक्सरसाइज की कि कहाँ कहाँ हमारी कमियों को दुरुस्त करके हम भी अपने शहर को अपने संगठन को नंबर एक बनाएं। तो आप सबके प्रयासों से आप लोगों का भी सहयोग रहा है, आपने मेरी सकारात्मक चीजों को पहुँचाया, इस कारण संगठन को हर जगह तवज्जो मिल रही है, हर जगह संगठन को बढ़िया मिल रहा है। फरुखाबाद के आखिरी सवाल है, फरुखाबाद के विकास कार्यों का खाका किस तरह से खींच रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि फरुखाबाद में जो विकास हो, देखिए आप देखिए फरुखाबाद में सड़कों का जो पहले जा आज सड़कें बहुत जबरदस्त बन गई। कुछ दिन के बाद हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा था ये बेवर कटरा वाला रोड, ये भी हमारा तैयार हो जाएगा। मुझे लगता है 2024 में ये हमारा रोड तैयार हो जाएगा। इस जिले को 2 ROB इसी महीने हमें लगता है चालू हो जाएंगे और एक आपका सुपरलापुर वाला ROB चालू हो गया है। निरंतर रूप से फरुखाबाद के लोगों के लिए और क्या कर सकते हैं, माननीय जनप्रतिनिधि जो हम सब लोग मिलकर सोच रहे हैं और जो काम फरुखाबाद और आ सकता है उसके लिए हम सब मिलकर प्रयास। ये हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से फरुखाबाद जिलाध्यक्ष रूपेश गुप्ता जी थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि फरुखाबाद के विकास के लिए निरंतर प्रयास किया है और करते रहेंगे। और वहीं अगर युवाओं से जुड़ने की बात करें तो लगातार युवा इनसे जुड़ने का प्रयास करें और ये जोड़कर अपने संगठन को लगातार मजबूत भी कर रहे हैं। कैमरामैन मोहित के साथ पुनीत मिश्रा, UPTV न्यूज, फरुखाबाद।